हेलो स्टूडेंट, लाइंस एंड एंगल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंगल हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यह दो लाइन है, एक लाइन है जिसका नेम एल है और दूसरी लाइन है इसका नेम एम है और तीसरी लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो यह थर्ड लाइन है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो हम इन एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह दोनों लाइन है और इसको यह लाइन इंटरसेक्ट करी तीसरी, और एक ही साइड देखिए कुछ एंगल बने 1 और 5, तो यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। वैसे ही देखिए 2 और 6, यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 8, यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इस तरीके से 3 देख रहे हैं यहाँ पर एंड 7, यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यह जो ट्रांसवर्सल से जो एंगल क्रिएट हुए हैं वह एक साइड वाले हैं, जैसे मतलब देख रहे हैं जैसी पोजीशन 3 की है वैसी ही पोजीशन 7 की है। तो ये जो सभी एंगल मेंशन किए गए हैं वह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब यहाँ पर फिगर में देखिए, यह लाइन है, यह लाइन है, यह ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यह जो एंगल होगा और यह जो एंगल होगा इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल यहाँ पर? 4 और 6। इसी वे में आप देख सकते हैं 3 और 5, यह और यह जो एंगल है वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, यह जो एंगल है 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और यह एंगल है 7, तो यह जो एंगल है 1 और 7, यह पेयर को कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही आप देख सकते हैं 2 और 8, ये दोनों एंगल के पेयर को कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यह फिगर में हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए। अब यहाँ पर देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड जो है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो आप ये देखिए, यह जो लाइन है दोनों और यह ट्रांसवर्सल है, यह जो 4 और 5 है यह दोनों एंगल, इनको हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले यह एंगल हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं एंगल 3 और 6, यह दोनों पेयर लेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम लोग यह देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरम देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, पहली थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। तो कहा गया कि अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यह दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो अल्टरनेट एंगल होंगे वह इक्वल होंगे। तो क्या अल्टरनेट एंगल है? देखिए, अगर ये दो लाइन है पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। वैसे ही आप देख सकते हैं यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ठीक है, यह थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अगली थ्योरम है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। देखिए, यह पहली जो थ्योरम है इसका कन्वर्स है कि अगर दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो वह लाइन जो है पैरेलल होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, यह दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है, मतलब यह एंगल और यह एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180, तो यह एंगल और यह एंगल जो क्रिएट हो रहे हैं इनका सम 180 होगा। वैसे ही आप देख सकते हैं यह एंगल और यह एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद इसका कन्वर्स भी है, यह कहा गया है कि अगर दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और जो या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हैं उनका सम 180 है, मतलब अगर वह सप्लीमेंट्री है, तो यह दोनों लाइन पैरेलल जरूर होंगी, ठीक है। मतलब अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। और साथ में देखिए एक और थ्योरम यहाँ लिखी गई है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
इसका मतलब है कि किसी लाइन के पैरेलल आप जो भी लाइन खींचेंगे वह सभी लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो देखिए यह कुछ थ्योरम है जिसको हम लोगों ने अभी देखा और इन थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ध्यान दीजिए यह दो लाइन है और यह ट्रांसवर्सल है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, साथ में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है और यह भी दिखाना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यह जो एंगल है इन दोनों का सम यूनिटी होगा क्योंकि यह एक लाइन है ना, तो इसका मतलब एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तो एक्स की वैल्यू हो गई 180 माइनस 50 130 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखिए यह जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वाई बराबर 130 डिग्री। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x और y की वैल्यू हम लोग निकालिए, x की वैल्यू 130 डिग्री है और y की वैल्यू भी 130 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए एक बात आप देख पा रहे हैं, x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू y, और ये देखिए यह दो लाइन है, यह ट्रांसवर्सल है, यह अल्टरनेट एंगल है, तो यह इम्प्लाइज क्या रहा कर रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यह ट्रांसवर्सल है यह दो लाइन के साथ जो अल्टरनेट एंगल क्रिएट हो रहे हैं वह इक्वल हैं, तो थ्योरम से हम लोग यह कह सकते हैं कि यह दोनों लाइन ए बी और सी डी, ए बी कौन है, एक लाइन इसमें से ए बी है और दूसरी लाइन क्या है सी डी, तो जो ए बी लाइन है वह सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाए, साथ में यह दिखा पाए कि लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस फिगर में ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है और साथ में वाई और जेड का रेशियो जो है 3:7 है, एक्स निकालना है। तो ठीक है देखते हैं, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कौन सी थ्योरम से, कहा गया कि अगर दो लाइन पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, मतलब यह सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, देखिए सी डी ई एफ के पैरेलल है और सी डी ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ई एफ ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू जेड हो गया, क्यों, क्योंकि यह अल्टरनेट एंगल हुए। ठीक है, तो यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए वाई इज टू जेड, वाई इज टू जेड इज इक्वल टू कितना है 3:7। ठीक है, इसका मतलब अगर वाई बराबर आप लिखते हैं 3 के तो जेड बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक, और यहाँ पर देखिए वाई बराबर 3 के है और जेड बराबर 7 के है, और यहाँ आप लिखिए कि एक्स बराबर जेड है, इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 के, क्यों, क्योंकि एक्स बराबर क्या है जेड है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे एक्स की जगह रख दीजिए 7 के और वाई की जगह आप लिख सकते हैं 3 के इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10 के इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी के इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो के की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स इज इक्वल टू 7 के है, यानी 7 इंटू 18 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 डिग्री, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 126। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए कहा गया कि फिगर में पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर 110 है और आर एस टी 130 डिग्री है और क्यू आर एस की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, क्यू आर एस की, इसको हम लोग एक्स लिख देते हैं। ठीक, इस सिंगल को क्या लिख दिया x,
अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे हम लोग आर से पास करते हुए ड्रा करते हैं। इस लाइन का नाम हमने लिख दिया एक्स वाई। ठीक, तो यह कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि यह जो लाइन है कौन सी लाइन एक्स आर वाई या पैरेलल है किसके पी क्यू के। और यहाँ पे देखिए कहा गया कि पी क्यू पैरेलल है किसके एस टी के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स आर वाई जो लिखा है वह पी क्यू के पैरेलल होगा और साथ में किसके पैरेलल होगा एस टी के। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए यह जो एंगल है इसको हमने लिख दिया यहाँ पर वाई और इस एंगल को हमने मेंशन कर दिया जेड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि पी क्यू अगर पैरेलल है किसके एक्स आर वाई के तो y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 होगा। कौन सी थ्योरम से? लाइन अगर पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रहा है तो जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप पा गए 70 डिग्री। वह पैरेलल है किसके x r y के। तो इस तरीके से z प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और जेड की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। या किस थ्योरम से? उसी थ्योरम से कि अगर ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रहा है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। तो देखिए जेड की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक लाइन है ना तो यह एंगल पूरा 180 डिग्री होगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए एक्स, y की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 70 डिग्री, z की वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एंगल x जो निकाल पाए वह 60 डिग्री निकाल पाए। तो आज हम लोगों ने कुछ एंगल्स के बारे में देखे, कुछ थ्योरम देखी और साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।